अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ारियाज़ डेली लाइफ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह 10:30 बजे का टाइम है और मैं बच्चों के साथ जो है मसरूफ़ हो चुकी हूँ। बच्चों को मैंने उठा दिया था, हस्बैंड मेरे जो है मुझे आ चुके हैं। एक्चुअली उन्हें आउट ऑफ सिटी जाना था तो वो वहाँ चले गए हैं। उनको नाश्ता वगैरह बना के दिया है और कुछ पैकिंग वगैरह करके दी है, तो वो वहाँ चले गए हैं क्योंकि ऑफ़िस तो उनका काफ़ी टाइम से रोज़ों से स्टार्ट हो चुका है। तो अब वो ऑफ़िस जाते हैं तो उनके आउट ऑफ सिटी के भी काफ़ी टूर्स होते हैं। और बेटी को जो है मैंने उसके पोट पे बिठा दिया है। आजकल मैं इसको ज़रा ट्रेनिंग दे रही हूँ, पॉटी ट्रेनिंग दे रही हूँ और ये बड़ा मुश्किल काम है। वैसे तो ये और मतलब जब ये 1 ईयर की थी तो मैंने इसको पॉटी ट्रेनिंग दी थी, तो ये डायपर जो है वो लगाती नहीं थी सारे दिन में। रात के टाइम में इसे डायपर लगाती थी, लेकिन फिर जब मेरी दूसरी बेटी होगी तो इसको मुझे थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो गया। सी सेक्शन हुआ था और उसमें बच्चे को कैरी करना उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी अगेन जो है मैंने इसको दोबारा से इसकी ट्रेनिंग देनी शुरू की है। तो इंशाल्लाह ताला ये थोड़ा टाइम में बिल्कुल ट्रेन हो जाएगी और फिर मैं जो है ना डायपर से बिल्कुल जो है ना आज़ाद हो जाऊँगी लगाने से। और अच्छी बात है बच्चे जो है ना टाइमली ये चीज़ें सीख लें। और उसके अलावा अभी आ गई हूँ मैं किचन में और किचन में मैं अपनी बेटी के लिए जो है वो नाश्ता बनाने लगी हूँ। और ब्रेकफास्ट में मैं इसके लिए बना रही हूँ क्रीमी बनाना ओट्स। और यहाँ पे मैंने जो है 2 अदद बनाना लिए हैं दरमियाने साइज़ के। इनको मैं कट करूँगी, थोड़ा सा मैश करूँगी और 1 कप दूध लिया है और दूध के अंदर इसको डाल दूँगी और साथ में इसमें मैं डालूँगी ओट्स 1 चम्मच के करीब। मैंने इसके अंदर ब्राउन शुगर ऐड करना है और अच्छे से इसको पका लेना है और उसके बाद मैं इसको सर्व कर दूँगी। बच्चों के लिए ना रोज़ के रोज़ चीज़ें बनाना, मतलब कुछ डिफरेंट बनाना मैं चाहती हूँ। एक ही चीज़ डेली बेसिस पे खा के तो बच्चे जो है ना वो फैड अप हो जाते हैं। ऑब्वियसली जब हम भी घर में कुछ अगर एक टाइम एक सालन बनता है या एक दिन लगा लें तो दूसरे दिन हम दूसरा सालन बनाते हैं, वही सालन जो है ना दोबारा रिपीटेडली नहीं खा सकते। इसी तरह बच्चे भी एज इट इज़ एक चीज़ बना के खिला दो तो उससे फैड अप हो जाते हैं, फिर उनको दूसरी चीज़ चाहिए होती है, वो खाना चाहते हैं। और मैं चाहती हूँ बच्चों को कुछ हेल्दी फूड खिलाऊं। और अब आजकल जो है ना मैं इसकी डाइट में फ्रूट्स भी ऐड कर रही हूँ। ये खुद से तो कुछ खाती नहीं है, फ्रूट्स तो इसको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और वैसे मुझे भी अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन मैं खुद भी अब जो है ना खाना स्टार्ट किया है इस और यही सोचा है कि जाहिर सी बात है मैं अगर खाना स्टार्ट करूँगी तो मुझे देख के बच्चे भी खाना स्टार्ट हो जाएंगे। और एक जगह ना मैंने मतलब किसी का लेक्चर सुना था, जैसे वो बच्चों पे देते गए हैं, जैसे उन्होंने बोला कि आप लोग जो कहते हैं कि जी हम लोग कहते हैं कि जी हमारे बच्चे ज़िद्दी हैं, तो हमारे बच्चे ज़िद्दी नहीं हैं, आप लोग ज़िद्दी हैं। वो आप लोग बच्चों को ज़बरदस्ती जो है अगर वो नहीं खाना चाहते तो आप उसको ज़बरदस्ती खिलाते हैं। और मेरा तो डेली बेसिस पे है कि मेरी बेटी कुछ नहीं खाना चाहती तो मैं तो उसको ज़बरदस्ती खिलाती हूँ। तो मेरे ख्याल में मुझे उनकी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि अगर हम बच्चों को ज़बरदस्ती कुछ नहीं खिलाएंगे तो बच्चे तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं खाएंगे। बच्चे तो बस कहते हैं एक फीडर बॉटल दे दो और सारा दिन बस हम वही पी लें और वो कुछ भी खाना पसंद नहीं करते। तो बच्चों को ज़बरदस्ती करके खिलाना पड़ता है, जाहिर सी बात है बच्चों की हेल्थ के लिए। हम कुछ खिलाएँगे तो बच्चों की जाहिर सी बात है हाइट अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी। तो मैं तो ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ उसको बना के खिलाती रहती हूँ। और यहाँ पे मैंने जो है इसके अंदर 1 चम्मच ऑल पर क्रीम का भी ऐड कर दिया है और इससे इसका जो है ना बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और दूसरी बेटी जो है उसको भी मैं इसमें से थोड़ा सा मैं खिला दूँगी, लेकिन थोड़ा सा इसको ग्राइंड करके खिलाऊँगी क्योंकि अभी बहुत छोटी है, अभी 7 मंथ की भी नहीं हुई है। तो उसके लिए जो है मैं अलग से जो है एप्पल प्योरी बना रही हूँ। और बच्चों को मैं कोशिश ये करती हूँ कि कुछ सॉलिड फूड, अभी मेरी बेटी छोटी है 7 मंथ की नहीं हुई है, लेकिन मैंने उसको जो है सॉलिड फूड जो है ना काफ़ी टाइम से देना स्टार्ट कर दिया है। वो वैसे भी हेल्दी इतनी ज़्यादा नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ी सी हेल्दी हो जाए, तो उसके लिए जो है मैं कोशिश करती हूँ कि उसको कुछ ना कुछ जो है ना हेल्दी खाना बना के खिलाती रहूँ। Thank you.
यहाँ पे जो है मैंने एक अदद जो एप्पल लिया था उसको छोटे छोटे जो स्लाइसेस में काट लिया था, और यहाँ पे मैं इसको वॉश करके जो है वो रख रही हूँ। और जो बेटी के लिए जो मैंने बनाया था और बनाना ओट्स बनाए थे वो बिल्कुल रेडी हैं, और अब मैं उसको जो है वो डिश आउट कर लूँगी। और जितनी देर में वो ठंडे होंगे तो उतनी देर जो है मैं एप्पल प्योरी जो है ना वो उसको रख लूँगी। तो इसी जो सॉस पैन था यही मैंने वॉश कर लिया था, कि जो बर्तन होते हैं मैं एक ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा बर्तन ना गंदे हो। वैसे आप किचन में आ जाओ और खड़े हो जाओ बस, तो बस बर्तनों का ढेर लग जाता है। एक चम्मच निकालो, दूसरा निकालो, डिश पकड़ो, ट्रे पकड़ो, तो जो है वो काफ़ी बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि कम से कम बर्तन गंदे हो। और मैंने फिर यही वाला जो सॉस पैन है इसको वॉश करके और इसी के अंदर जो है वो मैंने रख दिया था। और इसके लिए आपने, मैंने जैसा कि पहले भी बताया, एक कप पानी लेना है और उसी के अंदर जो है वो एप्पल आप डाल दें और उसको जो है वो लिड लगा के रख दें। इसको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, जैसे दम लगाने के लिए हम लोग रखते हैं। इट इज़ हरम ने मुझे देखते ही जो है ना वो भागना शुरू कर दिया है। वो पहले हानिया के साथ खेल रही थी, लेकिन हरम ने जैसे ही देखा कि मेरी मामा आ गई हैं और वो मुझे कुछ खिलाने लगी हैं, तो उसने आगे आगे भागना शुरू कर दिया। मैंने आपको बताया भी है कि ये ऐसे ही करती है, जैसे ही देखती है ना कि मुझे कुछ खिलाने लगी है मेरी मामा और अब मुझे खाना पड़ेगा, तो वो क्या करती है, वो साथ ही जो है ना वो भागना शुरू कर देती है। उसकी कोशिश यही होती है कि मैं बस भागूं और मेरी मामा मुझे कुछ ना खिलाएं। तो बस कुछ उसने खा लिया था और कुछ उसने छोड़ दिया था, जो बाकी का थोड़ा सा रह गया था, तो उसमें से जो है वो मैंने हानिया को कुछ खिलाया, खिलाने की कोशिश की, लेकिन हानिया ने उसे खाया नहीं। हानिया ने जो है ना वो वॉमिट कर दी, बल्कि उसने सारे कपड़े गंदे कर दिए। तो फिर ये है कि मैं हानिया को जो है वो बाद देने लगी हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि अब मैं उसके लिए कपड़े निकालने लगी हूँ, और बस एक दो दिन में अभी इन बच्चों की वार्डरोब भी सेट करनी है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। वो मैं क्या करती हूँ, जो मैचिंग कपड़े हैं वो उनके अलग करके रख देती हूँ, दूसरे कपड़े शर्ट्स वगैरह फ्रॉक्स एक साइड पर रख देती हूँ। तो अभी तो जो है वो सारे बस एक दूसरे के अंदर मिक्स ही हुए हैं, इंशाल्लाह ताला बस इसको मैं ठीक कर लूँगी एक दो दिन में। और हानिया ने जो है यहाँ पे नहा लिया, और नहाने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई है। बेटियाँ जो मेरी दोनों हैं ना वो नहाने में बिल्कुल तंग नहीं करती। कई बच्चे होते हैं वो नहाते हुए बहुत ज़्यादा रोते हैं। अच्छा, इसका एक ये भी मसला है कि हम जब बच्चे को, आजकल गर्मी है तो हम सोचते हैं कि जो पानी का टेम्परेचर हमें चाहिए होता है कि भाई जो ठंडा ठंडा पानी चाहिए नहाने के लिए, तो बच्चे को भी वही जो है पानी से नहला देते हैं। तो बच्चे जो है ना वो ठंडा पानी ऊपर डलते ही बहुत ज़्यादा चीखे मारना शुरू कर देते हैं। बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर, बल्कि मैं थोड़ा सा उसमें जो है ना वार्म वाटर ऐड कर लेती हूँ, तो उससे जो है बड़े आराम से नहा लेते हैं, उनको ज़्यादा इतना फील नहीं होता और ठंड नहीं लगती है। एकदम ठंडा पानी डालने ना बच्चे में, वो बड़ी चीखे मारते हैं। और यहाँ पे जो मैंने एप्पल प्योरी बनने के लिए रखी थी, तो उसको मैंने निकाल के पैन से थोड़ा सा जो है वो मैश कर लिया था मैशर से, और अब उसको मैं ग्राइंडर में डाल दिया है और इसको मैं साथ ग्राइंड कर रही हूँ। साथ में इसमें थोड़ा सा दूध जो है ना वो ऐड कर रही हूँ। आप एज इट इज़ बच्चे को दे सकते हैं, मैंने बस थोड़ा सा दूध इसलिए ऐड किया कि चलो थोड़ा सा इसका भी टेस्ट चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हो जाएगा, तो मैंने ऐसे ऐड करके उसको खिला दिया। अब उसने बड़े शौक से खा लिया था। अब बस हरम थोड़ा सा तंग कर रही थी उसको, उसके ऊपर थोड़ी सी ना छलांगें लगा रही थी, उसका दरअसल उसके साथ थोड़ा सा खेलने का मूड हो रहा था और उसके साथ खेलना चाह रही थी। अभी वो छोटी है, उसको समझ नहीं आता कि वो जो हानि है उससे काफ़ी छोटी है, वो नहीं खेल पाती उससे। तो हरम जो है वो बस कोशिश ये करती है कि मैं बस भाग भाग के उसके साथ खेलूं। चले, यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, और
इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो वीडियो के साथ जो सब्सक्राइब का बटन है मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब करें, उसके साथ जो बेल आइकन का सॉरी बटन है उसको प्रेस करें ताकि आपको जो मेरी फ्यूचर की नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।